हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल न्यूज इनसाइट पर। दोस्तों, काफ़ी दिन से नेहा कक्कर आदित्य नारायण के साथ शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई थी और अब फिर से नेहा कक्कर चर्चा में आ गई हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिमांश कोहली ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने नेहा कक्कर से ब्रेकअप के बारे में कुछ बातचीत की। हिमांश कोहली ने कहा कि नेहा ने ब्रेकअप के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और वो इंडियन आइडल के सेट पर रोईं, इस तरह से लोगों के बीच में मैं रातों रात विलेन बन गया। हिमांश कोहली ने आगे कहा कि नेहा कक्कर ने इंडियन आइडल के सेट पर रोकर लोगों की सिंपैथी बटोर ली, लेकिन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर खूब गालियाँ दी और खूब बुरा भला भी कहा, और यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा समय था। ब्रेकअप किसी एक के लिए नहीं होता, बल्कि यह दोनों लोगों के लिए ही होता है, और लोगों ने दूसरे साइड को जानना ही नहीं चाहा। तो दोस्तों, अब हिमांश कोहली का यह कहना है कि वो कहीं ना कहीं सही थे और नेहा कक्कर की भी कहीं ना कहीं गलती थी, लेकिन अब उनके एक्शन पर रिएक्शन देते हुए नेहा कक्कर ने एक कमेंट किया है। नेहा कक्कर ने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा वीडियो डाला है और उसके कैप्शन में नेहा कक्कर ने इनडायरेक्टली हिमांश कोहली का नाम न लेते हुए बहुत कुछ लिखा है। नेहा कक्कर ने लिखा है कि भगवान की दया से मेरे पास आज सब कुछ है, लेकिन लोग मुझसे जलते रहते हैं और मेरे नाम का यूज करके वो लोग पॉपुलरिटी कमाना चाहते हैं। इससे अच्छा काम से पॉपुलरिटी कमाओ। उन्होंने कहा कि लोगों ने पहले भी यूज किया और अब पीछे से भी यूज कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर और कोई काम नहीं है। साथ में नेहा कक्कर बहुत ही ज़्यादा एंग्री मूड में दिख रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैंने मुंह खोला तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को एक्सपोज कर सकती हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह दोनों साथ रहने वाले हिमांश कोहली और नेहा कक्कर आज दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। नेहा कक्कर ने कहा कि मीडिया के सामने बेचारा बनने की कोशिश मत करो, मेरे नाम और मुझसे बिल्कुल दूर रहो। तो दोस्तों, नेहा कक्कर ने एक तरह से धमकी भरा रिएक्शन हिमांश कोहली को दे दिया है कि आगे करके किसी भी तरह से मेरे नाम का यूज ना करें। दोस्तों, आपका इन दोनों के बारे में क्या कहना है, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आगे के सभी अपडेट्स के लिए चैनल को बेल आइकन पर सब्सक्राइब जरूर करें।